असलम स्टूडेंट्स टेक आउट यूर जनरल रफ कॉपीज आज हम जनरल साइंस रफ कॉपीज में लोग क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव राइट करेंगे उसके साथ हमारे यूनिट फाइव का रिटर्न वर्क फिनिश हो जाएगा सो प्रिपेयर द पेज अगर उसी पेज पे स्पेस है तो उसी पर स्टार्ट करें और अगर उस पर नहीं है तो नेक्स्ट पेज रेडी कर लें क्वेश्चन नंबर फोर की हेडिंग दे दें व्हाट आर पैरासाइड्स नेम सम एंड डिस्क्राइब वट देव ऑन की कुछ बेरोसाइट्स के नेम राइट कर लें और डिस्क्राइब करें कि वो कहाँ पर रहते हैं आप लोग क्वेश्चन नीटली राइट कर लें प्रॉपर लाइन्स में एंड देन लीव लाइन ए सॉरी इन द नेक्स्ट लाइन गिव हैडिंग ऑफ आंसर येडिंग ऑफ आंसर इन कैपिटल एंड देक्ट कैंड ऑफ पैरसाइट्स पैरासाइट्स लिव ऑन पैरसाइट क्या है ये जो है ये लिविंग थिंग है ये एनिमल्स की हमने पढ़ा ना कि फूड ग्रुप्स के मुताबिक फोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं एक प्रोड्यूसर्स है कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स है और एक पैरासाइट्स है तो पैरासाइट्स इनमें कौन से वाले हैं जो कि लिविंग थिंग्स पर रहते हैं उनकी बॉडी में दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स पर रहते हैं प्लांट्स पर रहते हैं दूसरे एनिमल्स की बॉडी में के अंदर या बाहर रहते हैं और उससे अपना फूड हासिल करते हैं तो आप लोग पैरासाइट्स पी ए आर ए एस आई टी आई ई एस पैरासाइट्स की हेडिंग दे दें सॉरी स्पेलिंग है पी ए आर ए एस आई टी ई एस पैरासाइट्स पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स फुल स्टॉप दे यूज़ अदर लिविंग थिंग्स एज देयर सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी राइट कर ले पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स फुल स्टॉप दे यूज़ अदर लिविंग थिंग्स एज देयर सोर्स ऑफ लाइफ एनर्जी For example, for example, fleas and lice live on animals and suck their blood. फ्लीज और लाइज जो है ये एनिमल्स के बॉडीज पर पर रहते हैं और उनसे ब्लड चूसते हैं सर्टन टाइप्स ऑफ वाम लिव इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स कुछ किस्म के जो वॉम होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं पेट में होते हैं ये एनिमल्स के पेट में रहते हैं उनकी बॉडीज में रहते हैं फीडिंग ऑन दे फ्लैश उनकी गोश्त से अपना फ़ूड लेते हैं ब्लड या ब्लड चूसते हैं और द फूड दे देट या वो खाना जो वो खाते हैं तो खुराक से अपने लिए फूड हासिल करते हैं बट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स और other living things plants or animals so parasites are right. parasites live on or inside the body of other animals full stop they use other living things as their source of life energy for example fleas and lice live on animals and suck their blood सर्टन टाइप्स ऑफ फॉर्म लिव इन बॉडीज ऑफ एनिमल्स फीडिंग ऑन देअ कॉमा ब्लड और द फूड ईट दैन क्वेश्चन नंबर फाइव वट थिंग्स डू प्लांट्स नीड टू मेक देयर ऑन फूड वट डू दे यूज यर फूड फॉर कि प्लांट्स को अपनी फूड बनाने के लिए क्या चीज चाहिए और वो इस फूड को किस लिए इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट चाहिए और उनमें क्लोरोफिल होता है जिसमें से क्लोरोफिल मस्ट है क्योंकि उसमें से प्रोसेस होता है फोटोसेंथिसिस के थ्रू अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और ये फूड एनर्जी हासिल करने के लिए ये एनर्जी लेते हैं और वो एनर्जी फिर दूसरे एनिमल्स में भी ट्रांसफ़र होती है सो राइट द आंसर नीटली क्वेश्चन नीटली एंड अंडरलाइन द क्वेश्चन देन गिव हेडिंग ऑफ आंसर इन द नेक्स्ट लाइन आंसर राइट करे प्लांट्स पोजिस क्लोरोफिल पोजिस क्लोरोफिल व्हिच दे यूज टू मेक देयर फूड दैम टी एच ई एम एस ई एल वी ई एस दैम थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इनमें क्लोरोफिल होता है जिसकी वजह से अपने लिए खुद फूड प्रिपेयर करते हैं द प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर सन लाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमें बता पूछ हमसे पूछा गया कि क्या क्या उनको चाहिए सोराइड करें द प्रोसेस ऑल्सो रिक्वायर सन लाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे यूज यर फूड फॉर एनर्जी टू लिव वो जिंदा रहने के लिए वो सर्वाइव करने के लिए एनर्जी हासिल करते इस फूड से और वो ये फूड अपने लिए खुद प्रिपेयर करते हैं किस प्रो प्रोसेस के थ्रू फोटोसिंथेसिस फोटो, फोटो मीन लाइट मीन लाइट को यूज़ करके अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं तो प्रे, फूड प्रिपरेशन के लिए उनको चाहिए क्लोरोफिल सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और जब ये फूड बन जाता है तो इससे तो एनर्जी हासिल करते हैं वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू लिव क्लियर इसके साथ हमारे लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश हो गए आप लोग इस तरह कर ले इसके बाद फुल फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करें फिर नेक्स्ट पेज आप लोग रेडी कर ले डायग्राम के लिए गिव हेडिंग ऑन द टॉप टॉपिक इन कैपिटल इन द नेक्स्ट लाइन गिव हेडिंग ऑफ डायग्राम एंड राइट द क्वेश्चन ऑफ डायग्राम ड्रॉ कॉमा कलर एंड लेबल द डायग्राम ऑफ ऑफ फूड फूड अ चेन फूड चेन का डायग्राम आप लोग ड्रॉ करें कलर करें बुक्स से आप लोग करेंगे आप लोग क्वेश्चन इस तरह कॉपी में राइट कर ले और बुक्स निकाल दी आप लोग बुक पेज नंबर फिफ्टी थ्री निकाल दें और पेज नंबर फिफ्टी थ्री पे आप लोग इस फूड चेन को ड्रॉ करें नीटली लेबल करें कलर कर लें इसकी लेबल कर लेबलिंग करें सन प्लांट इस तरह द लीव्स इसी तरह जिस तरह बुक में गिवन है द फ्रॉग ईट्स लेकिन आप लोग कैपिटल में करेंगे और इस तरह नोटबुक में ऐसे साइड पे ड्रॉ कर ले मीन आप लोग नोटबुक की इस साइड पे इसी तरह ये डायग्राम ड्रॉ करें तो उस पर आ जाएगा ये वाला फूड चेन आप लोगों ने ड्रॉ करना है अपनी कॉपीज़ में क्लियर इसके साथ हमारी यूनिट वर, वर्क यूनिट नंबर फाइव का रिटर्न वर्क यू लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन डायग्राम एक्सरसाइज सब कुछ फिनिश हो गया इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर सिक्स स्टार्ट करेंगे